हेलो एवरीवन, वेलकम टू चेतनाज लाइफस्टाइल। फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी को आईब्रोज कैसे घर पर हम इजीली बना सकते हैं, वही मैं इस वीडियो में आप सभी के साथ में शेयर करने वाली हूं। और जैसा कि आपको पता है कि लॉकडाउन चल रहा है और लॉकडाउन में हमें आईब्रो हम बनाने नहीं जा सकते हैं, तो ऐसे में आप इजी तरीके से घर पर भी आईब्रो को क्रिएट कर सकते हैं, आईब्रो बना सकते हैं। आपको आईब्रो बनाने के लिए सिर्फ रेडी वैक्स स्ट्रैप की ज़रूरत पड़ने वाली है, तो आप अगर आपके पास वो है तो आप उसके ज़रिए बहुत अच्छे तरीके से आईब्रो बना सकते हैं। और अभी मैंने जो आईब्रो बना रखी है वो मैंने उसी से ही बनाई हुई है, तो चलिए दोस्तों मैं किस तरीके से वैक्स स्ट्रैप के ज़रिए अपने आईब्रो को बनाती हूँ तो वही मैं आज आप सभी के साथ में शेयर करती हूँ। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं कि मैं किस तरीके से आईब्रो बना रही हूँ। तो यहाँ पर आईब्रो बनाने के लिए मैं वीट का रेडी टू यूज़ हाफ बॉडी वैक्सिंग किट का इस्तेमाल कर रही हूँ, और ये उसकी स्ट्राइप है जो मैंने पहले भी यूज़ की है, और मैं इसी में से एक पतली सी स्ट्राइप को कट करूँगी। और ध्यान रखिए दोस्तों कि आपको जब भी आप आईब्रोज इससे बना रहे हों तो आपको बिल्कुल पतली पतली सी ही स्ट्राइप्स को कट करना है, क्योंकि आईब्रोज में छोटे छोटे बाल होते हैं जिन्हें आप निकालते हैं। अगर आप थोड़ी चौड़ाई वाली स्ट्राइप को काटेंगे तो काफ़ी ज़्यादा बाल आपके निकल सकते हैं, और ये ज़्यादा कम्फर्टेबल होती है पतली स्ट्राइप, तो आप इन्हीं से ही इस तरीके से बाल निकालें जैसा कि मैं अभी आपको इस वीडियो में दिखाने वाली हूँ। और जब भी आप इसे लगाएं तो आप ये ध्यान रखें कि आपको जो बाल निकालने हैं ये उसी पर ही जाकर के चिपके, ऐसा नहीं कि जो बाल नहीं निकालने हैं ये उस पर भी चिपक जाए तो वो वाले बाल भी आपके इसके ज़रिए निकल जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इसे काफ़ी अच्छे तरीके से लगा लिया है और अब मैं इसे निकाल दूँगी, और आप देख सकते हैं कि इसमें बाल काफ़ी अच्छे तरीके से निकल गए हैं। और ये काम आपको बहुत ही धीरे धीरे करना है, जल्दबाजी में बिल्कुल भी नहीं करना है। ये वीडियो में फास्ट वे में आपको दिखा रही हूँ। और आप देख सकते हैं दोस्तों कि कितना अच्छे तरीके से बाल निकल गए हैं मेरे, और इसे ही मैं दो से तीन बार इस्तेमाल कर लूँगी। और आप देख सकते हैं कि मैं कितना इसको आराम से कर रही हूँ। और इस तरीके से आप घर पर आसानी से आईब्रोज बना सकते हैं, सिर्फ आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है और धीरे धीरे ही आपको ये काम करना है। और मैं ये वीडियो फास्ट वे में आपको दिखा रही हूँ, तो मैंने भी जब ये आईब्रोज बनाई तो मैंने काफ़ी धीरे धीरे इसे किया है, और आप देख सकते हैं पीछे की साइड से मैंने बालों को निकाल दिया है, और अब मैंने दूसरी स्ट्राइप ले ली है और अब मैं आगे की तरफ से बालों को निकालूंगी। एक से दो बार में आपके बाल रिमूव हो जाएंगे, और आपको ये सारा काम बहुत धीरे धीरे करना है। मैं बार बार ही ये चीज़ रिपीट कर रही हूँ, जल्दबाजी में आप बिल्कुल भी आईब्रोज ना बनाएं। और आपकी यदि स्किन सेंसिटिव है तो आप इस स्ट्राइप से अपनी आईब्रो को ना बनाएं। और जो लोग इस तरीके से आईब्रो बनाने में कंफर्टेबल नहीं है तो वो लोग बिल्कुल भी ना करें ऐसा काम, बिल्कुल भी आईब्रोज इस तरीके से ना बनाएं जो लोग कंफर्टेबल नहीं हैं। और अब मैं ये जो छोटे छोटे बाल नीचे की साइड में रह गए हैं उन्हें रिमूव कर रही हूँ, और ऑलमोस्ट मेरी नीचे साइड की आईब्रोज कंप्लीट हो गई हैं, आप देख सकते हैं। और काफ़ी अच्छे तरीके से मेरे जो बाल हैं वो रिमूव हो रहे हैं। आप चाहें तो थ्रेड से भी आईब्रोज बना सकते हैं, बट मैं इसमें ज़्यादा कम्फर्टेबल हूँ तो मैंने इसी से ही अपने आईब्रोज को बनाया है। और आप इस तरीके को अगर फॉलो करेंगे तो आप भी बहुत अच्छे तरीके से घर पर आईब्रोज बना सकते हैं।
और इसी स्ट्राइप से मैं फॉरहेड को भी करूँगी, वो आगे आपको वीडियो में देखने को मिलेगा। और दोस्तों वीडियो आपको अगर अच्छा लग रहा है, इन्फॉर्मेटिव लग रहा है, तो आप लाइक ज़रूर कर दीजिए। और ये देखिए आप, मैंने नीचे की साइड से अपनी आईब्रोज़ को बना लिया है और आगे की तरफ से भी मैं इसे बना लूँगी। और अब मैं थोड़ी सी चौड़ी स्ट्राइप को कट करूँगी और उसमें से एक स्ट्राइप में लूँगी और उससे मैं ऊपर की साइड वाले बाल भी हटाऊँगी और अपोजिट डायरेक्शन में आपको ये रिमूव करना है। ये देखिए, और काफ़ी अच्छे तरीके से ये डेड स्किन को भी रिमूव कर देती है स्ट्राइप्स। और इसी तरीके से मैं साइड से भी बालों को रिमूव कर लूँगी और फॉरहेड के भी बालों को मैं इसी से ही रिमूव करूँगी। अगर दोस्तों आप इस तरीके को फॉलो करेंगे तो आप बहुत अच्छी तरीके से आसानी से घर पर आईब्रोज बना सकते हैं। आपको पार्लर जाने की भी ज़रूरत नहीं है अगर आप इस स्ट्राइप के ज़रिए अपनी आईब्रोज को बनाना सीख जाते हैं। और आप मेरे इस वीडियो से बहुत अच्छे तरीके से ये चीज़ सीख सकते हैं। मैं बहुत धीरे धीरे ये सारा काम कर रही हूँ और अब मैं अपनी आईब्रोज को आगे से कट कर लूँगी ताकि अच्छी तरीके से मेरी शेप नज़र आ जाए आईब्रोज की। और अब मैं वीट के ही किट के अंदर से ये वाइप्स लूँगी कट करके थोड़ा सा, और जो मैंने आईब्रो बनाई है उसे मैं अच्छे तरीके से क्लीन कर लूँगी। और देख सकते हैं आप कितनी अच्छे तरीके से आईब्रो बनकर के तैयार है। दोनों आईब्रोज में डिफरेंस आप देख सकते हैं। और अब मैं फॉरहेड के बालों को भी क्लीन कर लूँगी साथ ही साथ। और अब दूसरी आईब्रो को भी मैं इसी तरीके से बनाऊंगी और बहुत ही आसान तरीका है ये आईब्रोज़ को बनाने का। आप डेफिनेटली इसे ट्राई करें घर पर और काफ़ी ज़्यादा पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। धीरे धीरे ही आप ये करें और मेरे वीडियो को देखिए आप, और इसी तरीके से स्टेप्स को फॉलो करते हुए मैंने दोनों आईब्रोज़ को बना लिया है और काफ़ी अच्छे तरीके से स्किन भी, डेड स्किन भी रिमूव हो गई है और आईब्रोज़ के बाल भी निकल गए हैं। आप दोनों आईब्रोज़ देख सकते हैं मेरी, और ये आईब्रोज़ मैंने घर पर ही स्ट्राइप के ज़रिए बनाई है दोस्तों, और काफ़ी ईजियर तरीका है ये आईब्रोज़ बनाने का। और थोड़ा सा रेड रेड हो जाएगा लेकिन ये थोड़ी ही देर में डाउन भी हो जाएगा, क्योंकि जब भी हम थ्रेड से भी आईब्रो बनाते हैं तो रेड हो जाता है। और उसके बाद में मैंने अपनी आईब्रोज़ पर थोड़ी देर के लिए एलोवेरा जेल लगाया और उसे रिमूव कर दिया। तो दोस्तों देखा आपने, मैंने काफ़ी आसान तरीके से अपनी आईब्रोज़ को बना लिया है और छोटे छोटे जो हेयर्स होते हैं वो नहीं निकल पाते हैं, क्योंकि अगर हम उन्हें निकालने के चक्कर में बड़े हेयर्स भी आ जाते हैं तो ऐसे में आप प्लकर की सहायता से उन्हें हटा सकते हैं। एक दो जो बाल छूट जाते हैं तो उन्हें आप प्लकर से ईजिली रिमूव कर सकते हैं। और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा तरीका लगा मुझे आईब्रोज़ को बनाने का, और आपको थोड़ा सा पेशेंस रखते हुए ही
आईब्रोज बनानी है, आप थोड़ा सा धीरे धीरे ही इस चीज़ को करें। जल्दबाजी में अगर एक भी बाल इधर का उधर हो जाता है तो आईब्रोज का शेप बिगड़ जाता है, और काफ़ी अच्छे तरीके से आप इनसे इसी स्ट्राइप्स के ज़रिए आपके अपर लिप के बाल भी निकाल सकते हैं और फोरहेड को भी आप क्लीन कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, शेयर कीजिए मेरे इस वीडियो को, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल भी ना भूलिए।